हाई देखो जा कि हमारा है अमर भाई बड़ा सुघर गीत का इशारा कर कोनो मेहरारू को मरद परदेश में चल गई बा मौका मिलल बा ओकरा मिलनुआ के ए अजय जाके कहता काहो करे जा कैसा रोवा तारू तब दुलहिन कहत बा अरे रोवत रोवत भीग गईल बा असुआ से है तकिया काहे रो तारू के करा याद में जाग तारू सारी सहरी रतिया तब कहतिया जाके परदेसवा नहीं जाके परदेसवा नहीं लागत होई नितिया ऊ जब सोवत हुई है ना बलम मोरा कोरा के सुतवैया कि राजा मोरे कोरा के सुतवैया कि रात भर रोवत होई है ना बलम मोरा कोरा के सुतवैया अच्छा भैया लोग हम बिरहा गायक राम को ले आदो एवं पूरे टीम की ओर से आप सब बिरहा श्रोता बंधु लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा आरभी स्टूडियो भीमपुरा में रिकॉर्डिंग होत बा हमारा विश्वास बा बिरहा के अंत तक सुनल जाई और बिरहा अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर जाई। हमारे बिरहा का शीर्षक बा बड़ा बिरहा गौली आज ले एगो गजब ही कहानी मिलल और हमारे कवि जी ने लिख करके अपने कलम के माध्यम से इस बिरहा को बताए जो ने बिरहा का शीर्षक बा दुल्हा बनल बलात्कारी। ई कैसन दुल्हा दुल्हा बनल बलात्कारी हमीरपुर कांड ई कैसन बिरहा बा हो भैया ध्यान से बिरहा के सुनल जाए भूमिका में भाव लगत बा। शरम से पानी पानी भइल आज मनवता कहलो गवलो मैं अब लगत देख लाज बा लाज नहीं खे वो हवसी कुकर्मी सातिर के अरे कृत पर अपने ओकरा देखाया भिना भूल गयल नारी गरिमा अरमा दुल्हन के हवस के नशा में बदल दरिंदा
दिखाया जो कामी होती आज निंदा। ऐसा ऐसा कर्म कर दिया कि आज सारी दुनिया उसके नाम पर थूक रही है। गजल का नमूना लगत है मास्टर। अरे हवस की खतरनाक चिंगारियों से, अरे जमी तो जमी गगन जल रहा है, हवस की खतरनाक जिया जमी तो जमी गगन जल रहा है। हे अमर भाई, अरे किसी की जवानी सती हो रही है, अरे किसी की जवानी सती हो रही है, किसी का कुंवारा बदन जल रहा है, लेकिन बड़ा सुंदर लाइन हमरे कवि सागर कवि बड़ा सुंदर भाव लिखल कैसे मास्टर। बिरहा सुने वाला भैया लोग लाइन बड़ा लाजवाब लिखल कवि जी। अरे हुआ जो नहीं था वो अब हो रहा है, अरे हुआ जो नहीं था वो अब हो रहा है, बता मेरे मालिक ये कैसी खाता है, ये कैसी खता है। तो देगा क्या इंसान अंजाम फिर से, अंजाम फिर से, अरे देगा क्या इंसान अंजाम फिर से, ये तो बात मालिक तुझे अंजाम फिर से। हवे समरे बिरहा का शुरुआत हो गई। राम बलम भाई नज्म कलाई लगत बा।
कहानी लिखने में भी कलम सी हर जाती है, व्यथा सुन करके छाती भी बिहर जाती है। हमीरपुर जिला की तो घटना ये जुबानी है, दरिंदगी भरी एक इंजीनियर की कहानी है। ई डब्लू डी कॉलोनी में छोटा सा परिवार रहा, भाई बहन के संग भाभी का दुलार रहा। माँ पिता से नाता बचपन में ही छूट गया, माँ पिता से नाता बचपन में ही छूट गया, वे अधीर भाई बहन रब भी रूठ गया। ए भैया बात के समझ लेल जाओ, हमीरपुर जिला के रहने वाले सगे भाई बहन है, भाई बहन का जोड़ी बा एक साथे रहताड़न। संजोग से विधि के विधान मालिक का देन हो बाबू, माई बाबू का साया बचपन में से दोनों बेटा बेटी से उठ गई बा। यह कहानी अखबार मीडिया के द्वारा ली गई है, चूंकि भाई बड़ा है बहन छोटी है, लेकिन ए बाबू आज धीरे धीरे समय बीते लगल, बहन जब न तब रोतिया, भैया कलक देख रे पगली रो मत, हम है न रे, हमरे के माई जनी है, हमरे के बाबूजी जनी है, तो के हम जितना पढ़ भी रे बहनी पढ़ाई, बढ़िया पढ़ लिख ले भी तो के सरकारी नौकरी दिलवाई, बढ़िया घर भर देख के तोर हम शादी करब, तू चिंता मत कर। अब धीरे धीरे हम जवान हो गई रे बहन, शादी हो जाई, शादी जब हो जाए तोर भौजी घर में आ जाए ना, तो जनिए कि हम तोर बाप रहब आ तोर भौजी तोर माई रही। आज ए बाबू बिरह सुने वाला भैया बाबू लोग, समय धीरे धीरे बीते लगल, आज खेवनहार बन के भाई अपने बहन को खे रहा है, सेवा कर रहा है, तरज बदलत है, तरज बड़ी पुरानी हो, कैसे मास्टर? ये हमारा सुरभान छदा के जवानी वाली तरजबा, हमारा रामनाथ गुरु जी गावस कि खा गइलू लंगड़ायाम, अरे खा गइलू लंगड़ायाम, दाम कहिया देबू चिरई, अरे लागत जो बनबे पखाम दाम कहिया देबू चिरई, बारे पुरन की तरह
एने के गावला पर ये बुझाता कि गुरही जिलेबी कराही में से टटके छान के बाहर निकलती है। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लो, बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे भाई लका हो। बन के बिरनाया जमाई बाप, बन के बिरनाया जमाई बाप, प्यार बहिनी के दिले, प्यार बहिनी के दिले, आज भाई बहन को पढ़ा रहा है धीरे धीरे। आज हाई स्कूल पास जब लड़की कर लेल सो तब भइल का भेज के सहारी आऊ बहिना पढ़ावे, सपना सजावे, अरे ममता को जे करे ना माप, प्यार बहिनी के दिले, ए भैया भाई तैयारी करा रहा है अपने बहन की कि बहन को डॉक्टर बनाऊंगा। ए भैया धीरे 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 समय बीते लगल। आज एक दिन भाई अपना बहन से को बात कलन है, तरज बदल गिल भैया। वाह क्या बात, ओहो हाई देखल जा यही होली का सीजन में हमारा अखिला भाई कमल काइन को हताड़ी हमसे हम कभी कभी थोड़ा टेलरई भी कर देते हैं, कटिंग काटो बच्ची हाँ तू को हताड़ी। ए दर्जी ए दर्जी ए दर्जी सीधे रे चोलिया हमार के ओरिया बंद कइके, बंद कैके बंद कैके बंद कैके, ए दर्जी दर्जी सीधे रे चलिए हमार केवड़िया बंद कैके, तरत रहल आप लोगों के मनोरंजन बजे। लेकिन एक भाई अपने दिल में तमन्ना लिया है बहन को डॉक्टर बनाऊंगा और बहन की शादी एक अच्छे घर में करूंगा। हर भाई सोचे लो, वैसे वो भी भाई सोच रहा है क्या, ये बहिना ये बहिना ये बहिना ये बस अपना हमार इंजीनियर दुल्हा खोजब, इंजीनियर दुल्हा खोजब, अरे पगली तू ई मत सोची है कि तोर बाबू माई नहीं खो तो केहू नहीं खे, हम हई तोर शादी तो ऐसन घर में करब कि तोर दुल्हा इंजीनियर होई आ तो के हम डॉक्टर भी बनाई। गरीब भाई सोच रहा है, देखिए तमन्ना उसकी। आज भाई ये गोरी बात को हताड़ल, सासू घर जाके हसी खुशी, ए बहिन तू खुश रहबू तो हम ना रहब दुखी, हरे पगली तू अपना सैया के घरे खुश रहबी ना तो इहवा हम जब तोर समाचार ले तो भले हम दुखी रहब। लेकिन हे बहिन सुन तड़ी रे, हमेशा हम खुश रहब तोर
सुख वाली बात सुन के कहत भाई ए बहिना हो जाई जीवन खुशहाल इंजीनियर दुल्हा खोजब इंजीनियर दुल्हा खोजब ए भैया बहन की पढ़ाई भी पूरी हो गई डॉक्टर की पढ़ाई कर लेती है लेकिन गरीब भाई के पास उतना पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है कि अपनी बहन को कहीं सरकारी हॉस्पिटल में लगवा दे। जमाना पैसा कहो बहन शादी करे योग्य भी हो गई है। कबो कबो गरीब भाई सोचता अपना परिवार अपना मेहरारू से बतियावत तो भाई के तो शादी होइए गई बा अपन शादी खोले ले हुआ दुल्हिया से बतियावत तो देखब हो लगता हमारा गरीब बहन के ये गरीब भाई अपन नौकरी ना दीवा पाई तो घर का आबरू भी आ बहन तो काहे न कर पहले शादी को दे जाओ बड़ा लड़किन के शादी ब्याह के बाद भी नौकरी मिल जाले। ए भैया आज भाई अपने बहन खातिर दुल्हा खोजत 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 पहुंचलन हो अपना बहन के मन लायक दुल्हा जपौलन हो इंजीनियर खोजिए देहलन सोचा कि एक बीघा जमीन बेच दे लेकिन बहनिया से वादा कर ले कि तोर शादी इंजीनियर से करब तो करो आजे भैया बहन का शादी कोना दिन तो कैले बड़ो बारात कहिया आवतिया इहा तर्ज लगते मास्टर उहे तर्ज बा रेलिया बैरन पिया को लिए जाय रे रेलिया बैरन तरज रहल लेकिन विराह में भाव लगता हो भैया दू फरवरी के आइल बरात रे दू फरवरी के आइल बरात रे दू फरवरी इसी दो फरवरी 2024 के बारात दुआरे पर आई ले बाजा बजे लगल कैसे बजे मास्टर बाजल ढोल बाजा आइल बरी अतिया फेरा घूमे दुल्हा दुल्हिन साथ रे दू फरवरी के आइल बरात रे दू फरवरी ए भैया बरात दुआरे पर आइल खुशी खुशी इंजीनियर दुल्हा ने उस गरीब की बेटी की मांग को सजाया
और दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला गया। आ घरे जब लेके गईलन हो तब भइल काबू विदेशिया का भाव लगता। तो सुहागरात का बेला आइल मनवा बहर साइल से जिया पर सैया से मिलना। भैया हो सबका उखिया पतईबा सबकर बहिन बेटी बाड़ी, चाहे हमारा घर का बहिन बेटी हो चाहे आप सबके घर को होके ससुरा जब जाली हो तो दिल में हजारों सपना सजाए हुई वह बैठी रहती है। आज वही सपना सजा कर आई है और सोच रही है कि राजा जी हमारा आई हो, आज हमार अमूल्य थाती जीवन हो आज उनकर हो जाई। सपना सजा करके बैठी है लेकिन भइल हका बाबू दिल में अरमान लेके अरे दुल्हन नवेली सोचे पिया के लुटाइब हम अपन प्रेम को खजाना। बिरहा सुने वाला भैया लोग वारे इंजीनियर जैसे दुनिया जाती है अपने दुल्हन के पास वैसे इंजीनियर भी पहुंचा, लेकिन पहले से नशे में दूत वह इंजीनियर दारू के नशे में दूत तो था ही, लेकिन इंजीनियर की कुछ उम्र ओवर होने के कारण वह इंजीनियर अपने दोस्तों से कुछ राय मशवरा लिया, कोई दवा खा करके चला है। बिरहा सुनने वाला भैया लोग कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हरामी ने ऐसा किया है तो कहना पड़ रहा है। वो करता है क्या सेक्स वर्धक का गोली खाई दूल्हा का साई ए हर अरे न सवा में दूत पहुंचल दुल्हन के संभाना। बिरहा सुनने वाला भैया लोग पहुंचा है और अपने दुल्हन से उस व्यवहार से मिल रहा है जैसे लग रहा है किसी गैर औरत के पास पहुंचा है। नई नवेली दुल्हन है जो पहली रात अपने पति के पास गई है, लेकिन आज उसका दुल्हा इंजीनियर कर क्या रहा है। कुत्ता जैसे मांस नोच नोच दुल्हन के बदनवाओ अरे कैलस बेहाल पहली राती बेईमान दवा खाया है, पूरी रात उसकी दुल्हन चिल्लाती रह गई लेकिन यह कुत्ता की तरह नोचता रह गया अपने औरत को। आखिर बाबू परिवार में इस बात को किससे कहे बिचारी, कह भी नहीं पा रही है और रात भर उसको नोचता रहा। फिर सुबह हुआ सोच रही मैं क्या करूं, पीड़ा में पीड़ित है, शरीर में घाव लगा है, चोट है, किसी से कह नहीं रही है। फिर दूसरी रात का समय आ गेल हो बाबू, आ जब दूसरी रात को समय आईल तब भई लका रानी सरंगा का तरज लगत बा।
वह इंजीनियर जो ही दुल्हन के पास पहुंचा हाथ जोड़ कर रो रही है सैया जी हम रौरे हैं रउआ हमारे ई कोनो जरूरी नहीं है सैया हमारा शरीर में चोट लगल बा हमर बुझा था कि प्राण निकल जाइ हो सैया अब ही हमके परेशान रउआ मत करी लेकिन हुआ क्या दूसरी रात आइल पाजी दूसरी रात आइल पाजी उहे कारनामा करे उहे कारनामा करे दुलही न करे तब विरोध हाथ जोड़ जोड़ के पलंग से उतर उतर के भागत दिया लेकिन ये तो फिर दवा खाया है फिर नशे में है कर क्या रहा है लेकिन नहीं माने पाजी जबरी करावे राजी अरे जबरी करावे राजी सुनला न उहो अनुरोध लाख रोवतिया यह नशे में है इसको तो यह लग रहा है कि ये नखड़ा कर रही है या कोई क्रोध या खीस निकाल रहा है अपने औरत से कैलस का करे खेल गंदा वो पाजी कसैया बाबू पाजी कसैया हो भोला ना मुदैया के बोध जी आखिर दूसरी रात भी वही कारतूत करता रहा वह रोती और गिड़गिड़ाती रह गई हुआ क्या भैली बेहाल अब तब भयल पर नवायर भयल पर नवा हो दिहल समुदैया नई हर जो ए भैया आखिर बेहोश पड़ गई वह दुल्हन तो अपने भी फोन किया अपने भौजाई से भी उसके भाई भौजाई के पास फोन करवा दिया ले जाओ आकर अपने बहन को तुम लोगों ने बेमरही से मेरी शादी कर दिया हाजी बाबू भाई भौजाई के खबर मिलल है तो भई लका तेरी के भाव लगता फोन पर धमकी दे रहा है कि ठगाई हम शादी में गईली दुल्ही मिलल बेमरही हमसे ना होई दवाई आके अकेले जा सब ना चाहिए बेमरही ये बात जब भाई भौजाई सुनना तो भईल का मास्टर पा खबर भाई भौजाई खबर भाई भौजाई झटौरई गांव में आए हैं देख हालत नाजुक बाला की नर्सिंग होम ले आए हैं पूछन लगी भौजाई ननद से कैसे हालत बिगड़ गई सुन सचाई बाला से तब आत्मा सबकी सिहर गई दवा दर्पण करावे खातिर जहां अपना जोना गांव में अपना बहनी के शादी कैले रहा उरई में उरई से लिया के चल गेलन नर्सिंग होम में दवा उपचार हो रहा है भाभी जब अकेली हुई है तो पूछ रही है बुची आखिर का तारा भइल बा पूछना तो पड़ेगा बताना भी पड़ेगा आज भौजाई पूछत आड़ी ननद रो रो के बेड पर सुतल अपने भौजाई से बतावत हो भैया तरज एक लाइन लगता यहां
बड़ा सुंदर तर्जबा की हमार बलमू रात का है नयला लेकिन हो भैया बिरहा सुनने वाला लोग आंख में आंसू लेकर के ननद अपने भौजाई से कह रही है भैया खोजल ए भौजी भैया खोजल कैसन दुल्हा इंजीनियर भैया खोजल कैसन दुल्हा इंजीनियर अरे दुल्हा इंजीनियर भैया खोजल कहत है कि भौजी हो हमार मरद इंजीनियर भले बा बल्कि हमार भैया को किसान गरीब आदमी समर बिया कदल तो हरकत तू ना कैले रही ए भौजी अब हम का बताई तू महतारी नहीं है बाड़ू हम के हॉस्पिटल लेके आयल बोलू तो दवैया हमारा कर रही के बहो भाभी जान तो हमारा संगे ऊ का कैले सर रोवती भा भौजाई से कहती शेख संवर्धक का गोली खाके कसैया अरे जिंदगी का हमारे हाय बनल मुदैया हालत हमार बाबी भैया जरी अरी खोजले भैया कैसन भाभी हमारा ये लगता कि हमारा संग जौनी दुष्कर्म हमार पति कैले स दवाई खा खा के हो भाभी लगता हमार जिंदगी बची नहीं आखिर हो बाबू भई लका बिरह में अल्लाह का भाव लगता तो जानी सचैया हाथ जानी सचैया हाथ धैले अपन कपड़ा भैया धैले अपन कपड़ा भैया
धरवा बाबू छुपे ना छुपल होई दिलावा के पीर सात फरवरी आइल मनहूस घरिया बाबू भौजाई से ननद जब अपने दिल के बात सारी बतौली हो आजू भौजी अपना पति से कह दी कि देखी न हो इ बड़ा नीच हमनिक ननद के दुल्हा मिलल बा वो इंजीनियर नहीं खे तो अयास बा तो बुची के शरीर के नोच नोच के ही दुरुपयोग कैले हई तक कह दी कि भाभी हम बचम ना तुरंत भाई दौड़ करके डॉक्टर के पास गया साहब हमारे एक बीघा और जमीन है हम वो बेच दे ए डॉक्टर साहब रुपयावा ले ले लेकिन हमारा बहिनी के जान बचा दे भले हम अपना बहिनी के शादी फिर दूसरा जगह कहीं कर दे लेकिन हमार बहिन वो हमारा बेटी ने भी आओ के हम बेटी बना के पल्ले बानी लाख कोशिश करते रह गए डॉक्टर लेकिन शादी और मौत का दिन का फैसला सात दिन के अंदर ही 2 फरवरी को शादी हुई और 7 फरवरी 2024 5 दिन के अंदर ही वह सुहागन इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट में निकला इसका बलात्कार हुआ है। लेकिन सारी बात बताकर मरी थी वो अपने भाभी से कि मेरी शरीर को कुत्तों की तरह नोचा था मेरा पति, सेक्स वर्धक गोली खा करके मेरे साथ रेप किया है। बताइए पढ़े लिखे सज्जन इस विरह को सुन रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर अपने पत्नी के साथ ऐसा काम कर रहा है, आखिरकार ए बाबू भई लका खड़ी को भाव लगता है। मैं तो कह रहा हूं कि ये हरामी तो ऐसा किया तो अपने दुल्हन को खो दिया, लेकिन बिरहा सुनने वाला भाई लोग रमकेवला का निवेदन बा, तोह लोग से आओ का निवेदन बा सुना लो। औरत घर की लक्ष्मी होती है अमर भाई, ओके लक्ष्मी की तरह जनब त राजा रहब, आ ओके दुख देव त दुख में रहब। आज कवि के लेखन ही समझावत है कि नारी खाली भोग विलास खाती चीज ना होली, नारी होली का अरे बाड़ी भोग विलास को चीज नहीं नारी
लोगवन के आई भाला कब समझदार। ए भैया, पांच दिन सात दिन में हाथ को मेहदिया भी ना छूट रहल। आखिर हमारे कहने का मतलब है कि पांच दिन या सात दिन या दस दिन ही हो जाए तो मेहदी एक ऐसी चीज होती है जो सुहागन मेहदी होती है, वो छूटती नहीं, महीनों महीनों रह जाती है। आखिर भइल का बाबू? अरे सगुन के लसिया के, अरे पोस्टमार्टम भइले, आ दूल्हा दरिंदा पकड़ जेली अइमे गइले। एक तो वह बिचारी अभागन थे, बचपन में माई बाबू छोड़ के मर गिलन, जवानी में सुख पाने की जब समय आई तो उसका पति नहीं उसका हत्या कर दिया, मौत हो गई। गुनहगार हुआ वह इंजीनियर और सलाखों के पीछे चला गया। इसीलिए कहा गया है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यार उसका उसका घर देखो। आखिर लाइन में मास्टर, जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, गंगा सागर सुभाषमी तवा रामनाथ की फागाई।